दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों 500 सालों के बाद बन रहा दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार शरद पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें यह एक छोटी सी चीज। रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृतदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पीढ़ी तक 7 पुश्त तक रुपए पैसों में करेगी मौज, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। यदि आप एक छोटी सी चीज शरद पूर्णिमा के दिन गाय माता को खिला देते हैं तो समझ लेना आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मान के चलिए आप इतना दुर्लभ संयोग है इस बार शरद पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों एक खास और महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है, जिसे खिलाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा तो आपको प्राप्त होनी होनी है, साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों यकीन मानिए यदि आप इस खास चीज को गौ माता को खिला देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार के दुख दर्द संकट या फिर परेशानी और गरीबी का पीछा जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है वो तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में खींचा चलाएगा और धन इतना होगा कि कई पुश्त तक कई पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी आपके घर में। 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों पर मौज करोगे आप, इतना दुर्लभ संयोग है इस बार शरद पूर्णिमा के दिन, तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जिस प्रकार से हम इस वीडियो में गाय के उपाय बताएंगे उसी प्रकार से आपको उपाय करेंगे तो आपको 100% यानी कि 100% लाभ अवश्य मिलेगा। आप मालामाल हो जाओगे, गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए, परिवार के फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, अन्यथा आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, फायदा आपको और आपके परिवार वालों का है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखकर ही जाना और वीडियो पूरा देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दें, कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें, उसके बाद फिर आपको हम गाय से जुड़े कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बता दें कि हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा के त्यौहार का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। ये अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष यानी कि जो पूर्णिमा थी है उसी को शरद पूर्णिमा कहते हैं। अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा जो होती है ये अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं शरद पूर्णिमा। इस साल यह शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है, इसी दिन साल का अंतिम और दूसरा चंद्रग्रहण भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन साल का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण भी लगेगा जो कि रात्रि 10:33 से शुरू हो जाएगा और रात्रि 3:50 तक रहेगा। वैसे तो इसका जो मुख्य ग्रहण होगा ये रात्रि 1:06 से यह चंद्रग्रहण शुरू होगा और रात्रि 2:30 तक रहेगा। तो इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण भी लग रहा है तो अद्भुत संयोग बन रहा है, इसलिए आप अगर गाय से जुड़े ये उपाय करेंगे तो विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों बता दें कि इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, इस दिन विशेष तौर पर कई खास संयोग बन रहे हैं। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ही खास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा धरती के बहुत नजदीक होते हैं और सबसे ज्यादा चमकीले और सबसे बड़े दिखाई देते हैं। चंद्रमा के प्रकाश से जो किरणें निकलती है शरद पूर्णिमा की रात्र में वो अमृत तुल्य हो जाती है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस बार शरद पूर्णिमा के दिन खास संयोग बन रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे कि बहुत ही विशेष शुभ योग में अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का भी विशेष महत्व है, हालांकि इस बार चंद्रग्रहण लगेगा इसलिए खीर ना खाएं तो ज्यादा विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहण के समय खीर नहीं खाना चाहिए, खीर को चंद्रमा की रोशनी में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो अशुभ हो जाएगा, उसके अशुभ किरणें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी।
तो दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी से जुड़े यानी कि जो ये गाय से जुड़े उपाय करेंगे तो विशेष लाभ होगा। आइए अब जान लेते हैं गाय से जुड़े कुछ विशेष उपाय। दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद फिर आप, चूंकि दोस्तों गाय को घर की जो सबसे पहली रोटी है वो जरूर खिलाएं। दोस्तों इस दिन मीठे पकवान जरूर बनाएं, मीठे व्यंजन बनाकर गाय को जरूर एक खुराक निकाल दें और गाय को खिला दें। दोस्तों इस दिन गाय की सेवा करना बहुत ही उत्तम माना गया है। दोस्तों गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गाय को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो लोग शहरों में हैं वो गाय तो उन्हें पालना संभव नहीं है, लेकिन वो घर की पहली रोटी जरूर गाय को खिलाया करें, विशेष लाभ होगा। शरद पूर्णिमा के दिन आप पहले तो आटा ले लें, शुद्ध आटा लेकर फिर इसे शुद्ध जल से गूंद कर एक साफ सुथरी यानी कि अच्छी से रोटी तैयार कर लें। और दोस्तों इस दिन आप रोटी तैयार करके इसे पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। इसके बाद आप खीर भी जरूर बना लें। खीर इस दिन खाने का और खिलाने का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों इस दिन खीर आप बना लें और खीर को इस रोटी में रख दें और थोड़े से आप इसमें थोड़े से घी रख दें और थोड़े से इसमें मिश्री रख दें, थोड़े से गुड़ रख दें और फिर आप इस रोटी को ले जाकर गौ माता को खिला दें। दोस्तों ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेगी, 7 पीढ़ी तक मौज करोगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, 7 पीढ़ी तक 7 पुस्त तक रुपए पैसों की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी कृपा से आपके घर में धन धान के भंडार भरे रहेंगे, धन इतना बरसेगा कि आप पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे। माँ लक्ष्मी कृपा से चारों दिशाओं से धन का आगमन होगा, तेजी से धन का आगमन होगा और बहुत ही लाभकारी बहुत ही शुभ बनेगा। कई प्रकार के शुभ योगों का निर्माण भी होगा जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, खास संयोग भी बनेंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस बार शरद पूर्णिमा के दिन खास संयोग बन रहे, इसलिए घर की पहली रोटी जरूर खिला दें। दोस्तों इस दिन घास खिलाने का भी बहुत महत्व होता है, यानी कि आप एक मुट्ठी घास ले लें, उसमें एक रोटी रख लें और थोड़ी सी खीर, थोड़े से आप गुड़ रख लें और फिर आप ले जाकर गौ माता को जरूर खिला दें। ऐसा करने से गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, गौ माता की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, साथ ही माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी और आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देंगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी आपकी छूमंतर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी कृपा से घर में धन धान के भंडार भरे रहेंगे। दोस्तों इस दिन का जो पक्का भोजन पूरी कचौड़ी हलवा खीर जो भी बना है वो शरद पूर्णिमा के दिन जरूर आप यानी ले जाकर गौ माता को जरूर खिला दें, बहुत ही लाभ होगा। शरद पूर्णिमा के दिन आप यानी कि अगर खीर बनाकर खिलाते हैं गाय को, खाली खीर, तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत ही महत्व होता है। पहली रोटी में अगर खीर बनाकर खिलाएं तो अति उत्तम है और अगर खाली खीर खिलाएं तो महा उत्तम है, इसलिए ये उपाय जरूर करें, बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये बेहद अच्छी जानकारी, आपको बहुमूल्य जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी कृपा आपके घर में जरूर प्राप्त हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।